शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमः शिवाय। नैष्कर्म्य सिद्धि में तृतीय अध्याय के द्वितीय श्लोक के ऊपर विचार हुआ, अब तृतीय श्लोक का विचार करेंगे, तीसरा चलेगा। थोड़ी सी टीका है, देखो भावतत्व प्रकाशिका में, लोके गामानय दंडेना, दंडेना पाठ होगा, दंडेना इति गामानय दंडे नेति, ड के ऊपर ए चाहिए, गामानय दंडे नेति, दंडेना इति ऐसा है, गामानय दंडेना, डंडा ले जाओ और गो को ले आओ, ऐसा कहा। तो यहाँ पर क्या है, देखो गामानय दंडेना, गाम द्वितीया का एक वचन, गो शब्द का गाम बनता है, अनय क्रियापद है, लाओ, दंडेना, दंडेना कहने से यहाँ पर दंड शब्द का तृतीय एक वचन दंडेना, बालक का बालकेना, दंड का दंडेना, है ना। अनन क्रिया, अनय क्रिया का कर्म हो गया गो, गो को लाना है, और लाने का साधन हो गया दंड, है कि नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, भिन्न विभक्ति निर्दिष्टानाम, यहाँ पर विभक्ति अलग अलग है, गाम में द्वितीय विभक्ति और दंडेना में तृतीय विभक्ति, सात विभक्तियाँ होती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर कह रहे कि भिन्न विभक्ति निर्दिष्टानाम, तो वहाँ पर जो अन्वय जो है अलग अलग होगा, है ना। इसलिए संसर्गात्मकश्च वाक्यार्थो द्विविध एव दृश्यते, वाक्य का अर्थ होता है संसर्ग, वाक्य में जो पद होते हैं, पद में पदार्थ का जो अन्वय होता है कि नहीं, उसको कहते हैं वाक्यार्थ। यहाँ पर दो प्रकार के देखे जा सकते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के देखे जा सकते हैं। न तद अतिरिक्त, इसे अतिरिक्त कोई तो है ही नहीं, अखंड एक रसता लक्षण, अखंड एक रसता, वाक्य जो अर्थ होगा एक रस होगा, मतलब जिसमें कोई संबंध नहीं है, है कि नहीं, जिसमें कोई संबंध है ही नहीं, ऐसे अखंड एक रस होता है वाक्यार्थ महावाक्य का, ऐसा तो होता नहीं कुछ, ऐसा तो नहीं होता है। तत् कथम तद अभिप्रायण है, पाठ देखो, अवाक्यर्थता प्रतिपद्यते, वाक्यर्थता के बदले अवाक्यर्थता कहेंगे तो अच्छा है, वाक्यर्थ होता है विशिष्ट पदार्थ, है कि नहीं, जो विशिष्ट है वो वाक्यर्थ है, और यहाँ पर अवाक्यर्थ कहने से सामान्य है, एक नहीं, जीव ब्रह्म का जो एकत्व है, शुद्ध चेतन में कोई गुण धर्म है ही नहीं, हो है कि नहीं, वो शब्द का विषय नहीं बोलते हो, अखंड जो अर्थ है वाक्य का वो कैसे होगा। इति आशंक्य, मतलब अखंड वस्तु का ज्ञान वाक्य से नहीं हो सकता है कि नहीं, वो वाक्य तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके प्रतिपादयितुं प्रतिपत्ति सौकर्याय प्रथमं तावत् उत्तर श्लोकः सूत्र स्थानीय उपन्यस्यते,
ये उत्तर श्लोक है, तीसरा तीसरा श्लोक ये सूत्र के रूप से मतलब संक्षेप रूप से कहा जा रहा है। क्या करने के लिए प्रतिपादयितुम है ना, कि महावाक्य का जो अर्थ होता है अखंड होता है, जिसमें कोई गुण धर्म है ही नहीं है ना, ऐसे अखंड अर्थ का ज्ञान महावाक्य से होता है। ये ज्ञान की सुकरता के लिए पहले बतला रहे हैं। देखो है ना, तीन प्रकार के यहाँ पर संबंध होता है ये बताएंगे। तीन प्रकार के महावाक्य में तीन प्रकार के अर्थ का अन्वय होता है ये बता जाएगा। देखो श्लोक में सामानाधिकरण्यम च, सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्येगात्मनाम, पदार्थ प्रत्येगात्मनाम। देखो कहते हैं भाई, पहला हो गया सामानाधिकरण्य रूप से अन्वय होता है। ये अन्वय को बता रहे, अन्वय अन्वय होता है वाक्यर्थ, अन्वय होता है वाक्यर्थ है ना, किस प्रकार से अन्वय होगा ये बता रहे। तो पहला क्या हो गया, कौन सा अन्वय होगा, सामानाधिकरण्य बोलते हैं। क्या कहते हैं, सामानाधिकरण्य, पौधों में जो होगा वो सामानाधिकरण्य होगा, सामानाधिकरण्य संबंध होगा है ना। जिस पद के द्वारा अर्थ का बोध होगा उस पौधों में क्या रहेगा, सामानाधिकरण्य रहेगा है, भिन्न भिन्न है ना प्रवृत्ति निमित्त का धर्म हो और एक अर्थ को बोध करावे तब पौधों में रहेगा सामानाधिकरण्य है कि नहीं। समान समान विभक्ति पद हो और पौधों की जो प्रवृत्ति निमित्त का धर्म हो वो अलग अलग हो जाए तो उसमें क्या रहेगा, सामानाधिकरण्य रहेगा। क्या रहेगा भाई, सामानाधिकरण रहेगा। जैसे देखो बताता हूँ, नीलम उत्पलम कहा जाएगा, नीलम उत्पलम है, नील मतलब नील गुण और उत्पल जानते हो पुष्प है कि नहीं, दोनों के प्रवृत्ति निमित्त का धर्म अलग है। नील है नील गुणत्व, उत्पल है उत्पल पुष्पत्व है कि नहीं, दोनों के प्रवृत्ति निमित्त का धर्म अलग अलग है ना। नील गुण की नील शब्द की शक्ति नील गुण में है, उत्पल शब्द की शक्ति उत्पल पुष्प में है, तो प्रवृत्ति निमित्त का जो धर्म है नीलत्व उत्पलत्व वो अलग अलग है ना, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जिसको नील शब्द से कह रहे हो उसको उत्पल शब्द से कह रहे हो है कि नहीं। रक्तम वस्त्रम, रक्त कहे रक्त गुणत्व, वस्त्र है वस्त्रत्व, वस्त्र है वस्त्रत्व रहेगा है कि नहीं। तो केवल रक्त कहे, रक्त तो कोई भी हो सकता है, पुष्प भी होता है वस्त्र भी होता है कि नहीं, फल भी होता है बहुत कुछ होता है ठीक है। हाँ वस्त्र वस्त्र को रक्त भी होता है, श्वेत भी होता है, काला भी होता है, लेकिन यहाँ पर रक्तम वस्त्रम कहने से क्या हुआ, जिसको रक्त शब्द से कहा जा रहा है उसी को वस्त्र शब्द से कहा रहा है, इसलिए रक्तम वस्त्रम कहने से रक्त और वस्त्र में जो संबंध होगा इसको कौन सा संबंध कहेंगे, सामानाधिकरण्यम, पौधों में सामानाधिकरण्य संबंध होता है ये यहाँ पर कहा जा रहा है ठीक। इसी प्रकार तत्त्वमसी में कहेंगे, जिसको तत् शब्द से कह रहे हो उसी को तम, तुम वही हो है, वह तुम हो है कि नहीं, तत्त्वम त्वम तत् वो तुम हो और तुम वही हो जिसको तत् शब्द से कहा और उसी को तम शब्द से है कि नहीं, ये समझ लो। सोयम देवदत्त है, वही देवदत्त तुम हो है ना, 12 साल पहले जो तुम तुमको मैंने देखा था वही तुम हो, वो कहते ना वही तुम हो, क्या बोलते ना वही तुम हो, पहले संशय हुआ फिर निश्चय, हाँ वही तुम हो,
पहले पतला थे, अब क्या हो गए, मोटा हो गए है कि नहीं। सोहम बोलते हैं ना, सोहम परंपरा, सोहम शिवोहम सोहम। जैसे बाल्यकाल में जो था वह, सोयम अहम, सोयम अहम, सोहम बाल्यकाल का जो साक्षी था वही वृद्धावस्था का मैं सोहम। ठीक है, तो सोहम में भी पौधों में क्या रहेगा, सावनाधिकरण रहेगा। जिसको सो शब्द से कह रहे हो उसी को अहम शब्द से कह रहे हो। अहम सो सह, मैं अभी जो मैं हूँ वही पहले था, है कि नहीं। हाँ, सपन में जो मैं था जागृत में भी वही हूँ। सपनों को देखने वाला जो प्रकाशित करने वाला जो मैं था, जागृत का भी प्रकाशित करने वाला मैं हूँ, है कि नहीं। ये सो अहम, तो ये पौधों में क्या संबंध रहेगा, अन्वय सावनाधिकरण न रहेगा, सावनाधिकरण रहेगा, ये बोलते हैं। ठीक है, सावनाधिकरण्यम च। और कहते हैं विशेषण विशेषता, विशेषण विशेषता है। तो विशेषण विशेषता में क्या है, तो वाच्यार्थ में विशेषण विशेषता रहता है। किसमें, वाच्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ, त्वपद का वाच्यार्थ, है कि नहीं। वाच्यार्थ में क्या रहेगा, विशेषण विशेषता रहेगा, ये बताएंगे। जैसे यहाँ पर नीलम उत्पलम देखो, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम में क्या है, नीलम उत्पलम में है नीला हो गया विशेषण और उत्पल हो गया विशेष। उत्पल कैसा है, नीला है, मतलब नील से विशिष्ट क्या है, उत्पल है, है कि नहीं। ये कैसा रखता है, मतलब उत्पल संबंधी नीला, हाँ ये कैसा नीला है, ये पुष्प का नीला है कि वस्त्र का नीला है, किसका नीला हुआ, वस्त्र का हुआ, परस्पर में हुआ कि नहीं हुआ। ये उत्पल विशिष्टा नीला ऐसा भी हो जाएगा, मतलब उत्पल संबंधी ये नीला रूप है। ये रूप कैसा है, उत्पल संबंधी नीला, अरे उत्पल कैसा है, नीला से विशिष्ट रूप उत्पल है, तो परस्पर हुआ कि नहीं हुआ। ये कहते हैं विशेषण विशेष भाव, ऐसा। ठीक इसी प्रकार से ये जीव ईश्वर संबंधी है और ईश्वर जीव संबंधी है, ठीक नहीं। ये जीव और ईश्वर में संबंध है, ठीक है। इसलिए वाच्यार्थ में रहता है तत्पदार्थ और तम पदार्थ, परस्पर में क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष भाव हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। और लक्षार्थ में कैसा होगा, लक्षार्थ में, लक्षार्थ में लक्ष्य लक्षण संबंध हो जाएगा, ऐसा है। किसमें, लक्षार्थ में, लक्षार्थ में लक्ष्य लक्षण संबंध रहेगा। इधर लिखे यहाँ पर लक्षण लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्येकात्मनाम, है ना, इसमें दिया है, एक नोट टिप्पणी में दिया है। प्रथमम समान विभक्ति पदयो समानाधिकरण अन्वयो ततः तदर्थयो विशिष्ट अभेद ज्ञानम, है ना। इसलिए अभेद ज्ञान होगा, लेकिन तथो विरोध प्रतिपत्ति, लेकिन विरोध होगा, जो ईश्वर है वो जीव कैसे होगा, जो जीव है ईश्वर कैसे होगा। ये लक्षण या शुद्धयो उपस्थिति, लक्षण लक्षणावृत्ति से, लक्षणावृत्ति से शुद्ध चेतन की उपस्थिति हो जाएगी विरुद्ध अंश का परित्याग करने पर, है कि नहीं। इसलिए दोनों में व्यक्ति मात्र में क्या होगा, एकत्व होगा, व्यक्ति मात्र में एकत्व होता है। जैसे सो अहम 12 साल युवावस्था नहीं बाल्यावस्था में जो मैं था वही वृद्धावस्था में हो,
तो बाल्यावस्था से जो विशिष्ट है ना, वही युवावस्था से विशिष्ट हुआ नहीं हुआ ना? दोनों में एकत्व, विशिष्ट में एकत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी युवावस्था बाल्यावस्था रही नहीं, अभी कौन सी अवस्था हो गई? वृद्धावस्था हो गई, है कि नहीं? इसलिए बाल्यावस्था से विशिष्ट हैं और वृद्धावस्था से विशिष्ट में एकत्व होगा, विशिष्ट में एकत्व नहीं होगा, क्योंकि विशेषण रहेंगे तब तो होगा, है ना? इसलिए विरुद्ध अंश का त्याग कर दो भाई, ये तो शरीर की अवस्था है ना? हाँ, साक्षी में एकत्व हो जाएगा, ये तात्पर्य है कि नहीं? इसलिए कह रहा हूँ पर ये इसका लक्ष्य लक्षण संबंध तत्पद का अर्थ है, उसका एकत्व होता है किस में? प्रत्येक आत्मा में होता है, तम पद के लक्षार्थ साक्षी में हो जाता है। ठीक है, चलो इसका विचार वेदांत सार में भी हुआ है, वेदांत सार में भी। चलो टीका में थोड़ी सी देखो, तत्त्वमस्यादि महावाक्यस्थ पदधर्म सामानाधिकरण्यम च। ये देखो तत्त्वमसी महावाक्य के जो पद होते हैं वो पदों में रहेगा, पदों का धर्म हुआ मतलब पदों में रहेगा सामानाधिकरण्य संबंध, तत्पद और त्वम पद है ना? जिसको तत्पद से कह रहे हो उसी को त्वम पद से कह रहे हो, या तत्त्वमसी हुआ। ठीक है, सति च तस्मिन् बाच्य पदार्थयोः परस्परं विशेषण विशेषता। बाच्यार्थ में क्या होता है? परस्पर में विशेषण विशेषता होता है। सत्याम च तस्याम विरुद्ध स्पर्तो, लेकिन दोनों वाच्यार्थ में एकत्र कैसे होगा? विरोध हो रहा है, वो तो सर्वज्ञ है, हम तो अल्पज्ञ हैं, है कि नहीं? वो सर्वशक्तिमान है, ये अल्पशक्तिमान है, दोनों में एकत्व का विरोध हो रहा है, इसलिए वाच्यार्थयो हो वाच्य तात्पर्य विशेष च। प्रत्येक आत्मनो तात्पर्य का जो विषय है वो शुद्ध चेतन है कि नहीं? प्रत्येक आत्मनो, प्रत्येक आत्मा के साथ क्या हो जाएगा? लक्ष्य लक्षण संबंध हो जाएगा। एवं यथाक्रमेण पद फिर तदर्थ प्रत्येक आत्मनाम सामानाधिकरण्यम विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंधश्च भवति। ये है यहाँ पर पौधों में, पौधों में क्या हुआ? सामानाधिकरण्य हुआ। अब वाच्यार्थ में क्या हुआ है? विशेषण विशेष हुआ। और लक्ष्यार्थ में क्या होगा? लक्ष्य लक्षण संबंध हो जाएगा, है ना? अच्छा जी, चलो भी आगे देखो। ननो अज्ञान निवृत्तेर दृष्ट फलत्वात्, द्वितीय श्लोक चौथा श्लोक के ऊपर चलेगा। ननो अज्ञान निवृत्तेर दृष्ट फलत्वात्, अज्ञान के निवृत्ति ये दृष्ट फल हो गया। वेदांत विचार करते हैं इसका फल क्या हुआ, दृष्ट है कि अदृष्ट है? दृष्ट फल, अज्ञान की निवृत्ति ये दृष्ट फल है। अतः साधनस्य ज्ञानस्य, उसका साधन क्या है? ज्ञान है ना? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, वेदांत विचार करने पर ज्ञान होगा, और ज्ञान का फल दृष्ट फल है, अदृष्ट फल नहीं है, है ना? लेकिन ज्ञान का विधान तो होता है नहीं, ज्ञान का विधान इसलिए नहीं होता है, आप लोग सुने हो पहले, ज्ञान किसके अधीन है? ज्ञान प्रमाण के अधीन है, ज्ञान वस्तु के अधीन है। जो वस्तु के अधीन हो, वस्तु सामने वस्तु पड़ी है, हैं तो ज्ञान तो होगा ही होगा, आपके अधीन नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम, जिसको आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो अन्य प्रकार से कर सकते हो, उसका विधान होता है कि नहीं? लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, ज्ञान वस्तु के अधीन है, ज्ञान प्रमाण के अधीन है। संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुरादिना,
सामने घट है, चक्षु का संबंध हो गया, मन भी एकाग्र है, ठीक है ना, तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ज्ञान तो हो जाता है, अवश्य ज्ञान होता है। हम बोले नहीं, हमको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो आपके ना चाहने से ज्ञान थोड़ी नहीं होगा, ज्ञान तो होगा ही। लेकिन हाँ, आँख देखना है कि नहीं देखना, ये आपके अधीन है, वो तो कर्म हो गया ना। चक्षु खोलना है कि नहीं खोलना है, कि सीधे खोलना है कि पीछे तरफ घुमाना है सिर, ये तो आपके ऊपर है। मन को एकाग्र करना कि नहीं करना, ये आपके ऊपर है। लेकिन ज्ञान आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन चक्षु है, मन एकाग्र है, प्रकाश का संबंध हो गया, सामने वस्तु है, ज्ञान तो होगा ही होगा, बोले है ना। इसलिए वस्तुतंत्रम भवेश ज्ञानम, कर्तृतंत्रम उपासनम, पंचदशीकार कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते ज्ञान से अविधेयत्वा अतात ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ पर भी आया देखो, है ना। तो वहाँ पर किसका विधान हुआ? अथात ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ पर विधान हो रहा है ना, है? किसका विधान हो रहा है? वेदांति लोग विधान किसका होता है? अतात ब्रह्म जिज्ञासा में विचार का विधान होता है। ज्ञान के लिए विचार करो, यह है वेदांत का विचार का विधान होता है, ज्ञान का विधान नहीं होता है। ज्ञानस्य अविधेयत्व ज्ञानम प्रतिच, अच्छा ज्ञान का साधन कौन है? ज्ञान का साधन कौन है? मतलब ज्ञान का साधन तो श्रवणादि है, विचार मतलब श्रवणादि है, श्रवण मन निध्यासन। तो ये जो ज्ञान का साधन श्रवण मन निध्यासन, ये किससे निश्चय हुआ? बोले अन्य व्यतिरिक्त से, श्रवण आदि करेंगे तो ज्ञान होगा, और श्रवण आदि नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। इनका कहना पूर्व पक्षी को, अन्य व्यतिरिक्त सिद्ध साधनत्वात्, अन्य व्यतिरिक्त से सिद्ध हुआ ये साधन, श्रवण आदि ज्ञान के साधन है। इसलिए ज्ञानार्थिता मात्रेण यस्य कस्यचित, है ना। इसलिए जो ज्ञान चाहता है, मुझे ज्ञान ही चाहिए बस, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, है कि नहीं, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, है ना। हाँ, इसलिए विधि के बिना भी क्या हो जाएगी? प्रवृत्ति हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए ज्ञान की विधि क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। इसलिए जो ज्ञान चाहता है, जैसे जिसको खाना चाहता है तो भोजन में प्रवृत्त होगा कि नहीं होगा? भूख को हटाना चाहता है, भूख निवृत्ति करना चाहता है, तो भोजन में प्रवृत्ति होगा ही होगा। अब बोले कि नहीं भोजन करो, तब जाकर भोजन करेगा? आप नहीं कहेंगे तो भोजन नहीं करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। भूख लगने से भोजन तो करना है ही हो। इसी प्रकार जिसको ज्ञान की भूख लग गई वो क्या करेगा? श्रवणादि करेगा कि दूसरा कुछ करेगा? श्रवणादि ही करेगा, श्रवण मन निध्यासन तो करेगा ही करेगा, है ना। इसलिए श्रवणादि करो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं। ये पूर्व पक्ष कहना है, कस्यचित विधि बिना भी प्रवृत्ति उपपद्यते, किसी को विधि के बिना भी श्रवणादि करो ऐसा न कहने पर भी श्रवणादि तो करेगा ही करेगा, वो प्रवृत्ति हो जाएगी। भोजन करो ऐसा न कहने पर भी वो तो भोजन तो करेगा ही करेगा भूख लगने से। इनका कहना है, इसलिए क्या हुआ? शास्त्रीयस्य विशिष्ट अधिकारी, इसलिए शास्त्रीय जो विशिष्ट अधिकारी है ना, मतलब शास्त्र से प्रवृत्त होकर प्रवृत्त होने वाला जो अधिकारी होगा, विशिष्ट अधिकारी है ना, तो ऐसा अधिकारी तो मिला नहीं भगवान, वो तो मिला नहीं ना। हाँ, क्योंकि अज्ञात ज्ञापक है कि नहीं, शास्त्र क्या होता है? अज्ञात का ज्ञापक होता है। इसलिए अधिकारिणा प्रमिति जनको वेद इति च न्याय, ये देखो नियम है। ये वेद का क्या है? वेद का स्वरूप क्या है? देखो वेद का स्वरूप है ये अधिकारिणा प्रमिति जनको वेद, जो विशिष्ट अधिकारी है, उसी को ज्ञान कराता है वेद। विशिष्ट अधिकारी यदि नहीं है, अधिकारिणा माशास्ते फल सिद्धिर विशेषता, ये कहते ना कौन
भगवान भाष्यकार विवेक पीड़ा में कहते हैं अधिकारिणाम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषता, विशेष अधिकारी हो तो फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य न प्रमितिजनकत्वम्, अधिकारी न होने से ये तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य है वो ज्ञान को उत्पन्न कैसे करेगा, है ना। अतस्तद व्याख्यानाय, इसलिए इस शंका का निराकरण करने के लिए व्याख्यान किया जा रहा है। सूत्र उपन्यासोपि, सूत्र रूप से तो कह दिया तीसरा श्लोक है, फिर भी व्यर्थ हो गया। वो बोलेगा कि व्यर्थ हो गया, तो अधिकारी रहा या रहा नहीं तो ज्ञान कैसे होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है इतिहास जवान कश्चित प्रत्यवेश, कोई जो पूर्व पक्षी खड़ा हो गया इतिहास अश्विन थे। देखो अश्विन सूत्रे उपन्यस्ते, इस सूत्र में जो कथन किया गया है ना, सूत्र रूप से कथन जो किया गया, कश्चित चोदयति, कोई शंका यहाँ पर करता है, इस अभिप्राय से शंका बता दिया पुष्टिकाकार ने। योयम वाक्यार्थ प्रतिपत्तो पूर्व अध्यायन अन्वय व्यतिरिक लक्षणो न्याय, वाक्यार्थ का ज्ञान के लिए जो नियम पहले बतलाया, न्याय बता दिया पूर्वाध्याय से, अन्वय व्यतिरिक लक्षण न्याय, अन्वय व्यतिरिक सहचार रूपे न्याय है, युक्ति है, ये तो पहले बता दिया था। इसलिए क्या हुआ, अब देखो भी क्या बोलते हैं, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक अभिहित, ये देखो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक कहा गया है ना, सर्वकर्म संन्यास ऐसा तरह से विनिर्वक्त जब नहीं होंगे तो ज्ञान में निष्ठा नहीं बनती है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक वेदांत विचार करना चाहिए, है कि नहीं, ये अभिप्राय है भगवान। इसलिए संन्यास पूर्वक आत्मा का मैं ब्रह्म हूँ ऐसा साक्षात्कार हो जाए, इसलिए क्या करना चाहिए, श्रवणादि पूर्वक, ये संन्यास पूर्वक, संन्यास पूर्वक का सर्वकर्म संन्यास पूर्वक श्रवणादि करना चाहिए। इसलिए संन्यास श्रवणम कुर्यात्, ठीक है ना, आभ्यंतर संन्यास होना चाहिए। क्या संन्यास, आभ्यंतर संन्यास, बाह्य संन्यास नहीं, केवल बाह्य संन्यास से नहीं होगा, आभ्यंतर संन्यास। आभ्यंतर संन्यास क्या, आभ्यंतर संन्यास तीन प्रकार के ऐसा का परित्याग, ये होता है आभ्यंतर संन्यास है वो, है ना। उसको आभ्यंतर संन्यास पूर्वक यदि बाह्य संन्यास हो तो श्रेष्ठ है कि नहीं। ऐसा तरह का संन्यास पूर्वक यदि बाह्य कर्म का संन्यास हो जाए वो तो श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। उनकी निष्ठा जो है अपरोक्ष ज्ञान में हो जाती है। देखो मूल में सर्वकर्म संन्यास पूर्वक अभी तो बता दिया कि मयम विधि परिप्रापित, है ना, फिर विधि से क्या प्राप्त हुआ, है ना, ये श्रवणादि तो करेगा ही ज्ञान प्राप्ति के लिए, हो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक श्रवणादि तो ये प्राप्त है ही अन्य व्यतिरिक्त सहचार से, है ना, अन्य सहचार व्यतिरिक्त सहचार से, है ना। इसलिए अच्छा और आगे देखो थोड़े, ठीक है देखो, उक्त पूर्व पक्ष निराशाय श्लोकम अवतारयति विधि परिप्रापित, ये भूमिका है उत्तर श्लोक के लिए, किम अयम विधि परिप्रापित किंबा स्वरसत एव अत्र पुमान प्रवर्तते इति, सिद्धांति का कहना है। तो किम अयम विधि परिप्रापित, एक विधि से प्राप्त हुआ, किंबा स्वरसत एव अत्र पुमान प्रवर्तते, कि स्वभाव से ही ये व्यक्ति प्रवृत्त होता है, कहाँ पर, श्रवणादि में, है ना। सर्वकर्म संन्यास पूर्वक श्रवणादि में जो प्रवृत्त होता है ज्ञान के लिए, ये विधि से प्राप्त हुआ
किस स्वभाव से ही क्या प्राप्त हो गया पुरुष कहाँ पर श्रवणादि में। ज्ञान का साधन जो श्रवण मनन निध्यासन, श्रवण मनन निध्यासन होता है श्रेष्ठ साधन। ये जितने भी साधन है ज्ञान के साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन कौन है? श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण मनन जो निध्यासन करते हो तो चित्त शुद्ध तो होता है, ज्ञान तो आगे प्राप्त होगा, चित्त शुद्ध भी हो जाएगा, है ना। इसलिए दिने दिने तो वेदांत श्रवणान भक्ति सन्नितात गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छ्रासीति फलम लभेत। इसलिए प्रत्येक दिन यदि श्रद्धापूर्वक विश्वास से यदि आप वेदांत श्रवण करते हैं तो बड़ा चित्त शुद्ध होता है, बहुत चित्त शुद्ध होता है। ये योग सूत्र में कहा ना, त्रिविधा मितिरेशाम अशुक्ला कृष्ण है कि नहीं, क्या क्या है, शुक्ल कृष्ण और क्या है, अशुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और कौन, अशुक्ला कृष्ण, कितने प्रकार कर्म हो गए, चार हो गए ना, शुक्ल हो गया पुण्य और कृष्ण हो गया पाप, अशुक्ल कृष्ण पाप पुण्य मिश्रित हो गया, तीसरा ना शुक्ल है ना कृष्ण है, ना पाप है ना पुण्य है, बस वो चित्त शुद्ध करता है। कर्तव्य दृष्टि से कोई वेदांत श्रवण करता है, मुझे वेदांत श्रवण करना चाहिए, गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है कि नहीं, आसक्ते रामते कालम नयेद वेदांत चिंतया, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, वेदांत का श्रवण से भी चित्त शुद्ध होता है ना, ज्ञान तो आगे हो जाएगा, इसलिए श्रेष्ठ साधन हो गया। किंबा स्वरसत एव अत्र पुमान प्रवर्तते, कि स्वभाव से व्यक्ति प्रवृत्त होता है इति। किम चाहता, इससे क्या हुआ सुनो, यदि आत्मवस्तु साक्षात्करणाय विधि परिप्राप्तो अयम न्याय, तदा अवश्यम आत्मवस्तु साक्षात्करणाय व्यावृत्त शुभाशुभ कर्म राशि ही। ये देखो क्या लिखते हैं, यदि आत्मवस्तु साक्षात्करणाय, आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने के लिए है ना, अयम न्याय, ये जो न्याय है, श्रवणादि करेंगे तो ज्ञान होगा, अश्रवणादि नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये जो न्याय है विधि से प्राप्त हुआ, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निध्यासितव्य है ना, तदा तब क्या होगा, अवश्यम आत्मवस्तु साक्षात्करणाय, ये अवश्य ही आत्मा जो अपना स्वरूप है उसका साक्षात्कार करने के लिए क्या होगा, फिर व्यावृत्त शुभाशुभ कर्म राशि ही। ये देखो अधिकारी कौन होगा श्रवणादि का, जिसने शुभाशुभ कर्म समुदाय को छोड़ दिया, व्यावृत्त हो गया, ये देखो कर्म से निवृत्त हो गए, ना कोई शुभ कर्म है ना उनके लिए कोई अशुभ कर्म है, मतलब समस्त कर्म से वो निवृत्त हो गया है कि नहीं। और कैसा है, एकाग्र मनहा, उसका मन एकाग्र हो गया, कोई कामना है ही नहीं तो एकाग्र ही है, कामना नहीं है तो एकाग्र है, कामना हो तो फिर चित्त विक्षिप्त होगा, इसलिए एकाग्र मनहा, ये देखो उसका मन कैसा हो गया, एकाग्र हो गया। इसलिए तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात् त्यागी पतितो भवेत। ये देखो भैया क्योंकि श्रुति ने विधान कर दिया ना, क्या कर दिया, संन्यास्य श्रवणम कुरियात, सभी कर्म का परित्याग करके, ठीक है ना, तम पदार्थ का विवेक करके, मैं कौन हूँ,
है ना, उसको भी छोड़ दिया। आजकल यही चल रहा है, कली युग में ही चल रहा है, इसलिए महात्मा लोग भी प्रवृत्ति में जा रहे हैं बस, है कि नहीं तो कैसे चलेगा नहीं तो प्रवृत्ति में नहीं जाएंगे तो आश्रम कैसे चलेगा, ये सोच रहे हैं ना, तो नहीं चलेगा है? क्यों शुक्ला जी महाराज, शुक्ला जी सुन रहे कि नहीं, प्रवृत्ति में नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। ये सब ऐसा है, कुछ नहीं ऐसा हो तो व्यक्ति जो है कुतर करता है, कुतर करेगा भाई कैसे चलेगा, नहीं तो कैसे अपनी अपनी युक्ति लगाते हैं फिर लोग, है कि नहीं। हाँ इसलिए क्या कहते हैं, देखो इस श्लोक को ध्यान ठीक से समझो, तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों का परित्याग कर लिया किस लिए, पता लगाने के लिए मैं कौन हूँ। तम पदार्थ विवेकाय, शरीर आदि से मैं विलक्षण हूँ, इसका अभ्यास करने के लिए तात्पर्य, शरीर आदि से मैं विलक्षण हूँ है कि नहीं, इसका निश्चय करने के लिए, इस ज्ञान का अभ्यास करने के लिए क्या कर दिया, सर्वकर्मणाम सभी कर्मों का परित्याग कर दिया, क्यों श्रुति से, श्रुति में विधान कर दिया ना, संन्यास्य श्रवणम कुरिया, लेकिन वेदांत का श्रवण करो विवेक के लिए, अब उसको भी क्या कर दिया, छोड़ दिया वेदांत का श्रवण को, छोड़ दिया दूसरे में लग गया, हाँ दूसरे में लग गया, प्रवृत्ति में लग गया, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लिया, हैं तो त्यागी उसका क्या होगा, पतित भवेद उसका पतन हो जाएगा, ना स्वर्ग जा सकता है ना ब्रह्मलोक जाएगा, अब मुक्त तो होगा ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा, फिर अपने धर्म को छोड़ दिया ना, अपने धर्म को जो छोड़ दिया भाई, जो कि पवित्र नहीं है, सीखा नहीं है तो कर्म का अधिकारी तो हुआ नहीं, हाँ बोलो स्वर्ग भी नहीं जा सकता है कि नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं जाएगा वो, है कि नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा वो, मुक्त तो होगा नहीं, जाएगा कहाँ पर, है कि नहीं, पतन होगा कि नहीं होगा, इले पतित हवे, इले भगवान ने क्या कहा, स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्म वो भयावह, है ना, भगवान भाष्यकर ने कहा ब्रह्मसूत्र में, जिसके लिए जो साधन विधान किया गया है वो साधन उनके लिए धर्म है, यम प्रति यद विधीयते, सतस्य धर्म भगवान भाष्यकर भी लिखते हैं, है ना, यम प्रति यद विधीयते, जिसके लिए जो विधान किया गया है सतस्य धर्म, वो उसका क्या होगा, धर्म होगा, है कि नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं देखो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए जो विधान कर दिया, है कि नहीं। हाँ देखो एकाग्र मन ऐसा से विनिर्मुक्त हो गया तो मन एकाग्र है ही, अन्वय व्यतिरिकाभ्याम यथक्ताभ्याम आत्मदर्शनम करोति, है ना, अन्वय व्यतिरिक सहचार से सिद्ध हो गया ना, श्रवणादि करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, श्रवणादि नहीं करेंगे तो क्या होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, इसलिए श्रवणादि करता है अन्य व्यतिरिक्त सहचार से, तभी आत्मदर्शनम करोति, आत्मदर्शन हो जाएगा उनको, साक्षात्कार हो जाएगा। अच्छा जी थोड़ी सी टीका देखो, देखो क्या कहते हैं, शांतो दांतः, वो शांत है बोले सम का विधान कर दिया है ना, हाँ दांतः मतलब दम जो है बाह्य इंद्रिय को निग्रह कर दिया है ना, सम दम उपरति है तितिक्षु हो समाहित भूत्वा, ये देखो ये सब ले लो, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा और कौन है, मुमुक्षुत्व है ना, सम दम आदि है ना, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षुत्व, ये सब ले लो, इसको लेना चाहिए है ना, हाँ सम शांत कहने से सम से युक्त कहते शांत है ना, मन है ना, हाँ मन को एकाग्र कर लिया सम से युक्त हो गया है ना, हाँ और दांत कहने से दम से युक्त हो गया मतलब इंद्रियों का निग्रह हो गया,
उपरति क्या है, उपरति ऐसा का त्याग कर दिया वो, है कि नहीं। और तितिक्षु, तितिक्षु कौन है, तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम, भगवान भाष्यकर कहते हैं, है ना, वो सहन करना ये है बस, ये तितिक्षु सहन करना बस, गर्मी आएगी जाएगी, ठंडी आएगी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी, अरे भाई कितनी गर्मी है, रगड़ तोड़ दिया इस बार उनको बोलने से क्या कम हो जाएगा क्या है ना, इसलिए ऊपर अतः तितिक्षु समाहित हो भूत्वा आत्मनि एव आत्मनः पश्यति, वह शुद्ध अंतकरण में ही परमात्मा का दर्शन करता है कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्य ज्ञानस्य ज्ञान अविधेयत्व, ज्ञान का यहाँ पर विधान नहीं है, समदमादि का विधान हुआ है ना। यत् पश्चेत तत् शांत्यादि गुणयुक्त भूत्वा, शांत्यादि गुण से जो संपन्न हुआ है वही तो साक्षात्कार कर लेता है कि नहीं। इसलिए ज्ञान साधन विधेय है, यहाँ पर विधान किसका हुआ, ज्ञान का साधन का विधेय हुआ है, ज्ञान का विधान तो नहीं, ज्ञान के साधन समदमादि ज्ञान के साधन है, ये प्रवेशान हो गया। श्रोतव्यो मंतव्य इत्यादि वचना, इति वचना ये भी कहा गया, आत्मा बरे द्रष्टव्य, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, श्रवणादि ध्यासन यहाँ पर विधान हुआ है, श्रवणादे दृष्ट उपायत्व अभी है, देखो भी ये बड़ा सुंदर विचार है, यद्यपि श्रवणादि हो गया दृष्ट उपाय, श्रवणादि करेंगे तो ज्ञान होगा, श्रवणादि नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, बात तो सही है, फिर भी नियम अदृष्ट विशिष्टतया ज्ञान साधना से अभ्युपया अभ्युपेयत्व है, बोलते हैं कि ये नियम विधि हो जाती है, क्या हो जाती है, नियम अदृष्ट विशिष्टतया, तो नियम से अदृष्ट हुआ है ना। हाँ क्या बोलते हैं कि कोई कोई भ्रांति हो जाती है लोगों को भ्रांति होते, ज्ञान तो अन्य से भी हो सकता है, योग के साधना करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी तो है ना, इसलिए श्रवणादि करने की क्या आवश्यकता है, भगवान की कृपा हो जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा, इसलिए उपासना हम कर लेंगे उपासना करेंगे तो है ना ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, बिना श्रवण से नहीं होगा। वेदांत का बिना ज्ञान नहीं होगा, उपासना करेंगे तो नहीं होगा, उपासना करेंगे तो ज्ञान मार्ग में आने की मतलब योग्यता मिल जाएगी। अच्छा, अरे हम काशी में रहेंगे महादेव की उपासना करेंगे तो मोक्ष नहीं हो जाएगा, ज्ञान तो हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया भाई, इसलिए हाँ श्रवण के बिना, वेदांत वाक्य का श्रवण के बिना ज्ञान कभी होता नहीं, चाहे कितने भी उपासना कर लो कुछ कर लो है ना, भाई कोई पहचान कराएगा कि तुम कौन हो तब तक ज्ञान होगा ना, पहचान कौन कराएगा, कोई कराने वाला होगा ना जरूर, पहचान कैसे कराएगा, अभी पहचान कैसे कराएगा, उपदेश तो कराएगा पहचान कि तुम ब्रह्म हो है कि नहीं। हाँ वहाँ पर भी परमात्मा वो गुरु के रूप से उपदेश करते हैं, ऐसे नहीं महादेव के रूप से, वहाँ पर महादेव के रूप से उपदेश नहीं करते हैं, किस रूप से, गुरु के रूप से उपदेश करते हैं है कि नहीं। भगवान भी उपदेश किया गीता में है, वो जो है भगवान के रूप से नहीं किया, सखा के रूप से नहीं किया, किस रूप से किया, गुरु के रूप से किया है ना, गुरु के रूप से उपदेश से ही ज्ञान होता है, ये नियम है यहाँ पर है कि नहीं, ये है ठीक है। यद्यपि अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से सिद्ध है कि श्रवणादि हो तो ज्ञान होगा, श्रवणादि न हो तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये नियम हुआ
है कि नहीं। ये क्या हुआ, नियम हुआ। अन्य साधन से नहीं होगा, श्रवण आदि से साधन होगा, वो भी क्या है, गुरु मुख से वेदांत श्रवण करने से ज्ञान होगा, ये नियम होता है भगवान। ठीक है, इतने रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।